हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आप फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। टॉपिक ही बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो दोस्तों, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि हमें अपने स्टेज मॉनिटर में कितने वाट का स्पीकर लगाना चाहिए और कितने वाट का HF लगाना चाहिए और कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इस स्टेज मॉनिटर के बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा जो स्टेज मॉनिटर है वो सबसे अच्छा साउंड निकाले। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं 2-3 वीडियो कैबिनेट के ऊपर लाने वाला हूँ, यानी कि हमारे साउंड बॉक्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा कि हमें अपने DJ प्रोग्राम में कौन सा कैबिनेट यूज करना चाहिए और लाइव प्रोग्राम में हमें कौन सा कैबिनेट यूज करना चाहिए। अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला कैबिनेट मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम अपने स्टेज मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि स्टेज मॉनिटर होता क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इसमें देख रहा होगा, एक हमारा स्पीकर लगा है और एक हमारा इसमें HF लगा है। दोस्तों, ज़्यादातर मॉनिटर हमारे इसी तरह के होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने स्पीकर के बारे में जानते हैं कि हमें अपने मॉनिटर में कितने वाट का HF लगाना है, कितने वाट का स्पीकर लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्पीकर हमको देखने को मिल जाता है पी ऑडियो की तरफ से, 15BM400V3 इसका मॉडल नंबर है दोस्तों, यानी कि ये हमारा स्पीकर जो है 400 वाट का है। आप अपने मॉनिटर में दोस्तों 400 वाट का स्पीकर भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हमारी हो गई स्पीकर की बात। अब हमें इसके साथ HF कितने वाट का यूज करना है। दोस्तों, आपको इसके साथ HF यूज करना है 40 वाट का, 40 वाट का HF यूज होगा इसके साथ दोस्तों। अगर आप 40 वाट से ज़्यादा जाते हो, जैसे कि आपका 60 वाट हो गया, 80 वाट हो गया, तो दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो प्रॉब्लम होगी दोस्तों हमारी फीडबैक की। फीडबैक दोस्तों हमारे, जैसे हमारे साउंड में सीटी आती है, तो जैसे कि आपका तबले वाला होता है या ढोलक वाला होता है, वो चांटी उड़वाएगा दोस्तों, तो उससे क्या होगा, आपकी साउंड में सीटी आएगी। तो दोस्तों, 400 वाट स्पीकर के साथ आपको 40 वाट का HF यूज करना है। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट एक स्टेज मॉनिटर बन जाता है दोस्तों, बहुत ही बेटर क्वालिटी में बनेगा दोस्तों। दोस्तों, 400 वाट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर 400 वाट से कम जाओगे, 300 वाट, तो दोस्तों तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो दोस्तों आपको तबले से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या आपको पैड से, या आपको ढोलक से, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि इनके लिए कितना भी आवाज़ खोल लो, ये इनका मन नहीं भरता। इसलिए मैं आपको 400 वाट सजेशन कर रहा हूँ दोस्तों। कम से कम अगर आप मॉनिटर बना रहे हो दोस्तों, तो कम से कम 400 वाट का मॉनिटर तो होना ही चाहिए, इससे कम ना हो दोस्तों। भले ही उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज का हमारा मॉनिटर बन जाए, पर दोस्तों 400 वाट से कम मत बनाना दोस्तों, ये मेरा सजेशन है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिस्ट ख़राब मिल जाते हैं, आर्टिस्ट ख़राब होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप साउंड वाले हो, एक लाइव प्रोग्राम करते हो, लाइव प्रोग्राम में साउंड सेटअप लगाते हो, तो थोड़ा सा आप हैवी वोल्टेज का मॉनिटर ही बनाए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको ग्राउंड में जो साउंड होता है उन्हें उनसे मतलब नहीं होता, उनको अपने मॉनिटर से मतलब होता है। अगर आप सेपरेट मॉनिटर लगाते हो, जैसे कि हमारा पैड वाले के लिए अलग हो गया, तबले वाले के लिए अलग हो गया, और उनको हैवी वोल्टेज का मॉनिटर नहीं मिलता है दोस्तों, तो उनको प्रॉब्लम फेस करने के लिए ये मिलती है कि उनका बेस सही नहीं आता, उनकी चाटी जो पतली आवाज़ होती है वो उनको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आपको 400 वाट का स्पीकर आपको सजेशन किया है। अगर आपका 400 वाट से आप स्टेज मॉनिटर स्टार्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको साउंड में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और उसमें दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइव प्रोग्राम में कौन सा स्पीकर यूज करें, 400 वाट का बताया था, तो उसमें आपको दोस्तों तीनों फ्रिक्वेंसी आपको सुनने को मिलेगी बराबर, एकदम इक्वल, मतलब ना तो बेस आपको कम मिलेगा ना ही ट्रेवल ज़्यादा मिलेगी, सेम आवाज़, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों, मैंने आपको स्टेज मॉनिटर के लिए 400 वाट का स्पीकर सजेशन किया है। चलिए दोस्तों, हम अपने दूसरे स्पीकर के बारे में जानते हैं कि हमारा दूसरा स्पीकर कौन सा है, उसके साथ कितने वाट का HF यूज करना है। दोस्तों, अगला स्पीकर हमको देखने को मिल जाता है पी ऑडियो की तरफ से, इसका मॉडल नंबर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, P15226B3 मॉडल है दोस्तों। इस स्पीकर के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि DA सेटअप में कौन सा स्पीकर यूज करें। हाँ दोस्तों, ये वो वाला स्पीकर है जो आपको मैंने DA सेटअप में बताया था। दोस्तों, अगर आपको 400 वाट का स्टेज मॉनिटर कम लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास 400 वाट है, तो दोस्तों आपके लिए एक और स्पीकर मैं बता रहा हूँ, जो दोस्तों हमारा है 600 वाट का। दोस्तों, ये वाला स्पीकर खासकर हमारे स्टेज मॉनिटर के लिए ही बना है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, तो आप इस स्पीकर को अपने स्टेज मॉनिटर में डाल सकते हो।
600 वाट को। और दोस्तों इसके साथ जो HF यूज होगा वो हमारे 60 वाट का HF यूज होगा। 60 वाट से दोस्तों ज़्यादा ना जाए, अगर आप ज़्यादा जाना तो 100 वाट का भी आप इसमें लगा सकते हैं, पर दोस्तों 100 वाट से हमारा इसमें फीडबैक का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप 60 वाट का HF लगाएं और 600 वाट का मॉनिटर। ये दोस्तों हमारा एक लाइव प्रोग्राम के लिए बेस्ट मॉनिटर अच्छा माना गया है दोस्तों 600 वाट में। और जो भी दोस्तों आपसे शिकायत करता है पैड में बेस अच्छा नहीं आ रहा है, ढोलक में बेस अच्छा नहीं आ रहा है, तो उनके लिए दोस्तों तो ये मॉनिटर काफ़ी है बेस के लिए। यस तो उनके पीछे लगाइए और वो दोस्तों आपसे बेस बढ़ाने की जगह हमेशा कम की ही बोलेंगे दोस्तों। सिर्फ बेस का फ्रिक्वेंसी इतना ही ज़्यादा है कि वो बढ़ा ही नहीं पाएंगे, आपसे कम की ही बोलेंगे यार कम रख यार बेस हमारे कानों में चुभ रहा है, तो वो बेस बढ़ाने की नहीं कहेंगे दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से आप 600 वाट का मॉनिटर बना सकते हो। दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको दोनों स्पीकर के बारे में बताया और स्टेज मॉनिटर के बारे में बताया कि हमें अपने स्टेज मॉनिटर में कितने वाट का स्पीकर लगाना चाहिए और कितने वाट का HF लगाना चाहिए। दोस्तों दोनों ही स्पीकर बहुत अच्छे हैं, अगर आपको 400 वाट का अच्छा लग रहा है तो आप 400 वाट में जा सकते हो, और 600 वाट का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 600 वाट का बना सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो दोस्तों थोड़ा सा पैसा और खर्च करके एक अच्छी चीज़ ही बनाएं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोनों स्पीकर बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, आप अपने तरीके से बना सकते हो। इसी तरह से दोस्तों मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि हमें अपने बेस में स्पीकर कौन सा यूज करना है, जो हमारा 18 जो बेस होता है ड्यूल वाला उसमें कौन सा स्पीकर यूज होगा, उसके ऊपर भी वीडियो मैं दोस्तों बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और जो हमें हमारे जो कैबिनेट होते हैं स्क्वायर वाले, और दोस्तों जो लाइव प्रोग्राम होते हैं पेंट वाला जो कैबिनेट होता है, और दोस्तों और भी बहुत सारी जो दोस्तों वीडियो हैं वो भी मैं दोस्तों बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ आप दोस्तों। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकेगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपसे कुछ मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है साउंड के बारे में, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर जो भी मेरा भाई है अभी इस साउंड के लाइन में आना चाहता है या आ चुका है, उनको साउंड के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता है, तो वो मेरी वीडियो को देख के दोस्तों कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। मेरी वीडियो में दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा है वो कुछ ना कुछ उससे सीख के ही जाएगा। अगर दोस्तों मुझसे ज़्यादा अगर आपको पता है साउंड के बारे में दोस्तों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले और दोस्तों आपको भी कुछ सीखने को मिले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के आप मेरी ये वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए दोस्तों।